हमके कोनो गलत फहमी ना भइल रहे। पता ना हमके करण सच में गलत लग रहल बा। आप भूल गइले वो मोनिशा के कैसे मॉलिस के लिए रहल, का पता वो हमरे साथ भी ऐसे। शैलेन पिताजी, अगर हम उनका अपन गाड़ी में बैठे ली सिर्फ और सिर्फ उनका उनका घर तक छोड़े के खाते, एम हम का गलत कह ली? हमार होए वाली पत्नी भी तोरा साथ तोरा कार में रहे ना। ए! हमारी इरादा तोरा तरफ गलत नहीं के, समझ ली तू? ये सब अपन अपन दिमाग के उपज होला, जैसा नियत जैसा इरादा वैसा नजर। और वो वक्त प्रीताजी आप ऋषभ जी के साथ पुलिस स्टेशन गए रही FIR दर्ज करवावे खातिर, तो वो वक्त हम पुलिस स्टेशन आके आपके डिस्टर्ब ना करके चाहत रही। हम वहाँ से निकल ली, घर के बाहर देख ली कि शैलेन जी कैब के वेट कर रहा था, हम उनका से पूछ ली कि कैन आई हेल्प यू, तो बस तो हम उनका लिफ्ट दे दिली, उनका घर तक छोड़ दिली। मैं हम का गलत के लिए? हम गलत तू ऊपर से नीचे तक इंसान बड़ी, समझ लीस तू? और जो तू बात बनाओ तरह ना कि दिमाग के उपज बा दिमाग के पैदाशी बा, सब तोरा दिमाग में चलता ना, सब तो आप तोरा और शैलेन के बीच में का चलता है सब अच्छी तरह से हम जानते हैं। झूठ मत बोलिए करण, चुप हो जा फॉर गॉड्स सेक। अरे झूठ बोलता यार, एक बात पर विश्वास मत कर, एक नंबर का मक्कार और झूठ इंसान बा यार। ये हॉस्पिटल बा, व्हाई डोंट यू बोथ अंडरस्टैंड? हम अभी प्रूफ कह दे कि के सही है और के गलत, और एकर जो शक है ना हमरा पर वो सिर्फ और सिर्फ एगो फितूर रहा। एक सेकंड प्रीताजी, ये देखिए ये हॉस्पिटल की रिसीट है, ए पर साफ साफ लिखल है कि हम 9:40 पर यहाँ पर एडमिट पहल रही। प्रीताजी आपके चाहे तो लुथरा हाउस के CCTV फुटेज के चेक कर ली, हम वहाँ से 9 निकल रही। और जब हम शैलेन जी के ड्रॉप के लिए ओकरा घर, इट वॉज 9:20, लुथरा हाउस से शैलेन जी के घर पहुँचे में 20 लगेला, और शैलेन जी के घर से यहाँ पहुँचे में 20 और, मतलब 9:40। प्रीताजी हर एक मिनट के हिसाब हम आपके दे दिले हैं, अब आप ही बताएं हमके कौन सही है कौन गलत, केकर नजरिया केकर इरादा और केकर नियत साफ और केकर गंदी। सब फेक बावे, समझ ले तू? फेक बावे, झूठ बोलते रही तू। अब तो चुप हो जा करण। प्रीता जी अब हम और का करी, प्रूफ करे खातिर के सही और के गलत एकरा पहले से ही हमरा से पता न का प्रॉब्लम। प्रीता जी बात आप भी जान ली और हम भी जान ले कि पहले से हमके पसंद ना करेला, यहाँ तक कि फुल कोशिश करेला कि आपका और हमारा रिश्ता टूट जाए और आपके और हमारा शादी। ये नाटक बंद कर अपन, तू एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान बाड़ी, समझ ले? ये नाटक मत कर सबके सामने, चुप रहो बस, समझ ले? झूठ बोले ले झूठ। तो सच के बोल रहा, तू बोल रहा सच, प्रूफ करके दिखावा, प्रूफ करके दिखावा कि तू सच्चा और अच्छा इंसान बाड़ा। पिताजी अगर ये सच्चा इंसान हो ना तो अपन दोस्त के रिश्ता और शादी तुरवावे पर कबो न तुलल रही। ऐसा करके पता तू का करता रहा, अपन दोस्त के फीलिंग से खिलवाड़ करता रहा। तू खिलवाड़ तो तू करता रहा प्रीता के जिंदगी के साथ, होकर फीलिंग के साथ हमका खिलवाड़ करता नहीं। हाँ झूठ तू बोलता रे, हम शैलेन और तू के एक साथ देख ले रहनी, और तू अपने आप का अच्छा इंसान बोलता रे, बोल। हम प्रीता जी के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहा ले, हमके प्रीता जी के परवाह ना है। अच्छा के बचे ले रहे प्रीता जी के, ही नाइफ भूल गई ना? प्रीता जी के हम बचे ली, तू का कहला? तू आज तक कहले कहा प्रीता जी के खातिर सिवाय जासूसी करे के कहले का बारा? उनका रिश्ता तुड़वा के उनका शादी तुड़वाए पर तुलल रहेला हमेशा, ओकरा अलावा तू इनका खाते केले का बड़ा बतावा हमके? का बकवास करता रे तू, का बकवास करता रे? आ प्रीता के पीछे मत लियो, ये तक बीच में मत पीछे मत लियो, तू रहला छोड़ हम तक, बिहेव योरसेल्फ। का पीछे जी बात करता प्रीता, कितना बात करता प्रीता जी, हमके बहुत दर्द हो रहा है प्रीता जी, प्रीता जी प्रीता हमके बचा ली, एकरा वापस मत आवे देवी यहां। हमके फंसावे आयल रहला, हम ओकरे फंसा देली। ऐसे एक बात देख के बहुत अच्छा लागल कि प्रीता जी आज पहला बेर हमार साइड ले ली और ओकर क्लास ले ले ली। अब बस जल्द से जल्द ऋषभ के और शैलेन के शादी हो जाए, ओकरा बाद हमार और हमार प्रीता जी के बारी। कहे कि अब तो हमार और प्रीता जी के शादी के चांसेस और भी स्ट्रांग हो गए है। प्रीता जी के पृथ्वी और पृथ्वी के हाय प्रीता जी, हाय लव यू। बात भइल रहे ना हमार, पृथ्वी जी से तू बात ना कर बा, हम बात करब।
तू पृथ्वी जी के खिलाफ एक शब्द ना बोलू एक शब्द ना बात करके बात कर एक शब्द भी ओकरा खिलाफ बोलल चाला जे कुछ गलत कर ले होगी रियली यस तार पृथ्वी जी तो बहुत अच्छा बढ़ा सबसे अच्छा बढ़ा सिर्फ हम ही बेवकूफ बने जन वहाँ जा जाके तार हेल्प करता नहीं एक बात याद रखे जो हम देखने सही बा हाँ सही रही और तुझे इल्जाम पृथ्वी जी पे लगल है ओकरा बारे में वो सब बात करत रहे अपन सफाई देत रहे कहे कि वो गलत ना बाड़े वो वहाँ ना रहे वो वही रहे हम ओकर गाड़ी वही पार्किंग में देखनी अच्छा का नंबर बनकर गाड़ी के ओ अब तक के सबूत चाहिए कि ओकर गाड़ी वहाँ पे खड़ा रहुआ ओकर सबूत चाहिए हाँ चाहिए बतावा का नंबर बा नहीं पता अरे एग्जैक्टली तोरा के ना पता बा कहे कि तू गाड़ी देख लेना हम रीता देखा हमरा बात के समझे के कोशिश करा हम तो के बहुत प्यार से समझाओ तनी शर्लिन और पृथ्वी के बीच में कोनो ना कोनो रिलेशनशिप बावे ओके और हमके पूरा पूरा यकीन बा कि वो दोनों का अफेयर चलत बा राइट अफेयर चलत बा लेकिन शर्लिन के और के साथ पृथ्वी जी के साथ ना करण तू ही सोचा ना पृथ्वी जी शर्लिन के साथ कैसे हो सकेले जब तू अरेस्ट हो गई जब तू शर्लिन के घर गई ला पृथ्वी जी हॉस्पिटल में रहे तो शर्लिन के साथ कैसे हो सकेले सब कुछ बकवास बा ये बात तू भी अच्छी तरह से जानते हम भी ये सब ड्रामा बा ऐसे एडमिट भइल ऐसन सबूत 2 मिनट में खरीदा जा सकता 2 मिनट में व्हाट यू मीन तहर कहे के मतलब बा पृथ्वी जी हॉस्पिटल में एडमिट भइल के सबूत दिखा सके वो काहे करी है ऐसन ये तू हमार बात सुनो ओके पृथ्वी जी हैसन बड़ा होइसन बड़ा हमके ये सब सुनने में कौन इंटरेस्ट नहीं के ओके हम ये बात सबूत के साथ साबित कर दें कि पृथ्वी और शर्लिन के अफेयर चलता तो तू हमरा के चैलेंज करत बाड़ा चैलेंज करता नहीं यस प्रीता अरोड़ा हम तक चैलेंज करता नहीं कि हम तहके और तारा सोच के गलत साबित कर दें ये साबित कर दें कि वो शर्लिन के साथ पृथ्वी ही रहे साबित कर दें कि पृथ्वी और शर्लिन के अफेयर चलता ये बात तो तू भी अच्छी तरह से जानता रहो कि शर्लिन के केव के साथ अफेयर चलता और ये बात हम साबित करें वो क्यों और ना पृथ्वी बा ना बा शर्लिन और पृथ्वी जी का अफेयर ना चलत बा शर्लिन और पृथ्वी का अफेयर चला था हम भी साबित कर दे इन योर लैंग्वेज बाय हुक और बाय क्रूक कि शर्लिन और पृथ्वी जी का अफेयर ना चलत बा शर्लिन पृथ्वी जी के साथ ना रहे वो केहू और के साथ रहे बट जेकरा साथ भी रहे वो केहू के साथ रहे ओकर अफेयर का चलत बा एकर मतलब ये कि ऋषभ जी के शादी तो हम शर्लिन के साथ ना होके दे लेकिन ओकर साथ साथ ये भी जरूर प्रूव कर दे कि शर्लिन पृथ्वी जी के साथ ना रहे माय स्वीट कैरेट लवेबल एंड लॉयल प्रीता जी कितना भरोसा करते हैं हमरा पर ये साबित करे खातिर कि हम ना राली ये कितना मेहनत करिए हैं लेकिन आखिर में इनके ही तकलीफ हुई जब इनका पता चली कि वो हम ही रह ली शर्लिन के साथ अब तो ये गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी दोनों शर्लिन के खून के प्यासा हो गई कहीं ऐसा ना हो कि उम्र के महारानी के साथ साथ हम शहीद हो जाएं का आप श्योर बड़ू क्या आपके अपन कंप्लेन वापस लेवे के बाद इंस्पेक्टर इतना देर से आपके सामने बैठल बाड़ी हूँ बार बार ऑलरेडी बोला तरे कि 10 बार आपके एक ही बात बोल चुकल बाड़ी कि उंगरा रिपोर्ट वापस लेवे के बा फिर बार बार आप एक ही सवाल काहे पूछत हैं देखा का बा हमार ड्यूटी है पूछे के पड़ेला कई बार का होला के लोग क्यों के दबाव में आके अपन कंप्लेन वापस ले लेला बस नाना इंस्पेक्टर साहब हमरे साथ ऐसा कुछ भी ना भइल बा वो हमके गलत फहमी में भइल रहल एही से हम अपन रिपोर्ट वापस लेवे चाहत बानी आजकल हमरे साथ बहुत कुछ हो रहल बा ऐसे जरा सा कुछ भी होखेला ना तो हमके डर लगे लग जाएला घर में बहुत अंधेरा रहल हमके करण के चेहरा नजर ही ना आइल हमके लागल कोनो चोर आ गेल घर में ऐसे गलती हो गई कोनो बात ना फाइन एजा साइन कर दा कि हमके हमार कंप्लेन वापस लेवे के जी आई डोंट अंडरस्टैंड कि शर्लिन ऐसा सोच भी कैसे ले ली कि करण ऐसा हरकत कर सकता जब ये सोच सोच के गुस्सा हो रहल बा तामी सोच भी कैसे लेनी कि करण ऐसा कुछ हो कर सकेला और हम ओकरा के जेल करवा देनी डोंट वरी एक ही चीज सोचे के बाद सोचे दे हम और हमार पुन्नु पे भी हम दोनों तो बच गए नहीं मैम हो गए
जी प्रीता जी। ऋषभ जी ओ, हम दादी के फोन ना कर लिया हमरा के लागल की वो सोवत होगी ता हम आपके बतावे के चाहते कि आज हम घर ना आए दादी के ट्रीटमेंट खातिर। हाँ तो प्रीता जी कोनो बात नहीं है आप तनी लेट आ जाए पर आ जाए। ना एक्चुअली आज हम आ ही ना पाए बतीबा की पृथ्वी जी ना हॉस्पिटल में एडमिट बारे और उनका घर से भी केहू ना बा यहाँ पे यही खातिर उनका देखभाल खातिर हमरा के यहाँ रुके के पड़ी। ओ अच्छा ठीक बा प्रीता जी यार कोनो बात नहीं है लेकिन आप इतना स्ट्रेस काहे लगाता नहीं। जिकरा के देखा प्रीता की बात कर रहा बा जैसे कि ओकरा सिवा ये दुनिया में कोनो बा ही ना। वो बहुत छोटा सा गांव बा प्रीता जी बहुत जल्दी भर जाइए बहुत जल्दी ठीक हो जाइए आप टेंशन मत ली। हम हो जाओ तनी अभी रुके हम आओ तनी उतर ठीक बा लेकिन आप हमारी चिंता मत करें उल्टा आप उधर करण वाला केस संभाली वो शलिन केस वापस ले ली कि ना। वो कंप्लेन वापस ले ले पड़ी लेकिन बहुत मुश्किल से ले ले पड़ी बहुत मशक्कत करके पड़ा। चलो जैसे भी ले लिया इम्पोर्टेंट बात ये बा कि केस वापस ले लिया। ठीक बा प्रीता जी बाकी बात हम आपसे आगे करते नहीं बाय। ओके बाय। तारा के कहीं छोड़ दी आप हमके छोड़ ना सके हमार मतलब बा हमके कहीं ना छोड़े के बा हम आपके साथ हॉस्पिटल चलत बानी बेचारी प्रीता बहुत टेंस पड़ी ना। ठीक बा हम बेचारी प्रीता के देखे ना हम तो अपने पुन्नू बेबी से मिले जात बानी ये लोगन के तो खबर भी ना बा कि हमने खुद के बचावे खातिर आज का कर देनी। चले गए जी जी सच ये तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। ठीक है मम्मी जी दी ऋषभ के फोन आए रहे बोलत रहे शलिन अपना केस वापस ले ले लिया। हम जानत रहनी बिल्कुल ऐसा नहीं होगी शलिन अपन कंप्लेंट वापस ले ही ली अब करण के साथ होकर कोनो दुश्मनी थोड़े ही बा बहुत अच्छा लड़की भी है शलिन सही कहत बारी करीना हमके तो लागत बा शलिन घबरा गेल होके और घबराहट में वो पुलिस के फोन कर देले होगी ये गलत फहमी रहल। अच्छा भल की वो अपन कंप्लेंट वापस ले ले ली बा न करीना। हाँ मॉम बिल्कुल सही लड़की सिलेक्ट कर ले बानी हम अपन ऋषभ खातिर कितना केयर कर ली वो हमनी के फैमिली खातिर शादी से पहले ही कितना सपोर्ट कर रही अपन इन लॉज के। हाँ पर ये करण ना पता ना वो ऐसा काहे कैलस क्रोबा लेके का जरूरत रहे शर्लिन के घर जाए के वो भी रात के वहाँ इतना अंधेरा रहल घबरा गए होगी शर्लिन ऐसे वो कंप्लेंट दर्ज करा देली। एनीवेज वो कहत बड़े ना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल भगवान करे हमने के घर के अब केहू के भी नजर ना लगे। अरे ना लागे टेंशन मत ला आज हमरा के बिल्कुल पछतावा ना बा कि हम दोनों बच्चन के शादी जल्द से जल्द करे के फैसला ले ले रहे और अब तक शादी में कितना कम दिल बचल बा और हम तो ये सोच सोच के परेशान बारी कि इतना सारा काम इतना कम वक्त में कैसे होगी हमें ऋषभ की आउटफिट्स शलिन के कपड़े हम सबके कपड़े ये सब कुछ कैसे होगी इतना जल्दी। मामी जी रिलैक्स आई एम श्योर हमने के सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर ले डोंट वरी। हाँ राखे जी आप चिंता क्या करते हैं कृतिका बिल्कुल सही कर ला बच्चा संभाल ले और आप लोग के जानकारी के बता दें कि फंक्शन की शुरुआत बैचलर पार्टी से हुई। हाँ भाई ऋषभ के खातिर बैचलर पार्टी तो बनेला इतना सारी बच्चा है ओकर खातिर बैचलर पार्टी ना करो तो किकरा खातिर करो ऐसे भी शादी के बाद तो ओकर हालत हमरे जैसा नहीं होके वाला है। का कहे के चाहत बनिया आप जैसन हालत मतलब भाभी आप ना छोट छोट बातन पे ओवर रिएक्ट कर देवे नी भाई मजाक कर रहल बा उनकर कहे की मतलब बाकी सारा लोग काम में इतना बिजी रह ले क्यों के पास टाइम ही नहीं के एंजॉय करे के अब यही बहाने सारा एंजॉय कर ले और ऋषभ के खातिर भी अच्छा होगी ना कितना बिजी रह ला काम में यही बहाने थोड़ा सा एंजॉय कर ले यू दैट्स अबाउट इट। सही बोलनी आप मम्मा वैसे भी ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो गए सब कुछ सारा टाइम काम 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 अब ये पार्टी तो बने ला ना। आप फ्रूट्स खा ली सो स्वीट ऑफ यू प्रीता जी। का भाई हमारे शोल्डर में पेन है एक काम करे प्रीता जी आप कोनो नर्स के बुला ले वो नर्स हमके खिला दी। पृथ्वी जी हम भी आपके खिला सके नी रियली ओके सो स्वीट ऑफ यू प्रीता जी। इली
एक सेकंड आप पकड़ब हमार फोन बा। हेलो आई कॉल यू बैक कबिल कबिल पृथ्वी जी अरे आप प्लीज आपके कुछ चाहिए वो एक्चुअली हम पानी लेने के जात रहे पानी पृथ्वी जी अगर आपके पानी चाहत रही था आप हमरा के बोल देती ना हम यहीं तो खड़ा नहीं आप प्लीज हम के तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहे प्रीता जी आप हमरा सामने हम आपके सामने और हमार बीच की नजदीकी तीसर और कौनो ना काबिल प्रीता जी थैंक गॉड ऋषभ जी आप आ गई नी आपके पता बा पृथ्वी जी अभी बेड से गिरे वाला रहे वो तो हम संभाल लेनी हाँ अच्छा यूं गिर जाए व्हाट ना कैसे गिर गए तू खूब गिरत पड़त रहेला ना हमरा तो लगल रहे कि बड़ा अच्छा खासा आदमी बा आई मीन अच्छा खासा स्ट्रांग बड़ा तो अपन पहले संभाल के रखल कर ना प्रीता जी बारे ना हमरा संभाले खातिर डोंट वरी इतना डिपेंडेंसी भी अच्छा ना होला एक मिनट हम हेल्प कर देंगे स्टॉप आप रुक जाए के बारा तू क्रिकेटर बारा ना तू गिल्ली डंडा खेला पिताजी डॉक्टर बारे पिताजी अपन होए वाला पति के और पेशेंट के अच्छा से ख्याल रख सके ली हाँ ना पिताजी आप बस आराम करी पिताजी हम तो पानी पियल तो भूले गेली पानी लेवे के वजह से ही तू पानी खातिर इतना गिर गेली पानी के लिए ना पानी लेवे के लिए गिर गए तो पानी में ही गिर जाए था वाटर पार्क ना ये हॉस्पिटल है पहले कहते तो आपके पानी दे देती ना ये नहीं ओ आप ही पिला दी हाँ हाँ डोंट वरी ये नहीं काबिल तू इधर क्या कर रहा ओ हम के शरण बोल लिया कि तू हॉस्पिटल में आओते रहता हम के तो से कुछ बात करे खरला काबिल का काम बा बस प्रीता जी हम आपके छोट मोट घाव के खातिर बहुत तकलीफ दे रहे हैं एक्चुअली हम के शोल्डर में पेन है ना बस ये वजह से एक बार हमारा शोल्डर सही हो जाए ना ओकरा बाद ये सारा काम हम खुद ही कर ले बस ये शोल्डर ठीक कर देना आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है ना तनी से अगर मसाज कर दे तो आई थिंक शोल्डर ठीक हो जाए अब हमारा की बताए आपके दर्द कहाँ होता गला में दबा दो आप ओकर बात पर ध्यान न दी ही इज वेरी फनी हाँ यहाँ पर काबिल काबिल बोलो ना ए जगह है लला रिपोर्ट वापस ले लले हाँ ओ जैसा तो वापस आओ तो नहीं हमने के श्रीलिन अभी अभी कंप्लेन वापस ले ले पड़ी हमारा से थैंक यू की उम्मीद तू करबे मत करियो कैसा हम कुछ गलती नहीं कर ले तहार गलती रहुए तारा ओजा ना जाए के चाहत रहल ना तू ओजा घर जेता ना तारा खिलाफ कंप्लेन होइत दैट्स नॉट द वे काबिल तार कंधा के दर्द अब ठीक हो गई हमार कंधा तो ठीक है तू अपन दिल से पूछा कि तहार दिल के का हाल है दोनों भाई के दिल जल जल के राख हो गई हुई अभी तक ता इप्रितो क्या अब एकरा की दोनों लुथरा भाइयों से रोमांटिक वाइब्स मिल रहा बा तो ये हमार बॉयफ्रेंड के पीछे काहे पड़ रहा बाड़ी मूर्ख के महारानी ऐसे घूर घूर के देख रहा जैसे ना ये कुछ गड़बड़ करे वाली बिया एकरा अभी रोके क्यों हुई प्रीता जी आई एम फाइन नाउ हमार दर्द सही हो गए इचे तू मसाज करवा रहा है बड़ा ना अपन प्रीता जी से ये तो आपके बहुत भारी पड़ी पृथ्वी हेलो जी हमार हलबानी ऋषभ जी आई रियली हैव टू गो अर्जेंटली हम आपकी गाड़ी ले जा सके नहीं हाँ श्योर ऑल ओके या आई सी यू लेटर
गाड़ी चला भी ना भी तो चला का है बड़ा दिमाग खराब करके रख दे ले बा का करी का ना करी समझ में ना मिला स्टूपिड कार ना ना ये कार स्टूपिड ना बा ये लोग स्टूपिड बाड़े एक्चुअली ये लोग भी स्टूपिड ना बाड़े हमार पृथ्वी स्टूपिड बा का करेला का ना करेला कुछ समझ में ही ना आवेला दिमाग खराब करके रख ले बड़ा हूं हमार इली बस ही शोल्डर ठीक कर देना आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है ना तनी से अगर आप मसाज कर दे तो आई थिंक शोल्डर ठीक हो जाए श्योर आप हमारे के बताएं आपके दर्द कहाँ होत बा का कर लो कैसे गाड़ी चला रहे लो सब कुछ ना उस स्टूपिड प्रीता की वजह से हो रहा है चकरा के देखा प्रीता 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 अरे दुनिया में कोनो और लेके बचल ही नहीं खेका और ये पृथ्वी एकरा के भी प्रीता के यहाँ से पानी पिए के बा ओकरा के यहाँ से मसाज करवावे के बा एक बार हमार हाथ लग जाए ना ये पृथ्वी तब ओकरा के दिखावत बने की मसाज कैसे होखेला बेवकूफ कहीं के समझेला का अपना आपके अरे जा रहा बानी ना हॉर्न काहे बजावत बड़ बहरी नहीं की ईल ही दवाई पहले वाला दवाई से इनका एंट्राइजी फील होत रहे एक हाथी डॉक्टर दवाई रिप्लेस कैलास सॉरी हाय हमके तो पते ना रहे कि छुरा के फल इतना मीठा होला प्रीता जी हमके अपन हाथ से खिला रहल बिया सुला रहल बिया हमार इतना ख्याल इतना हमार फिकर और इतनो प्रीता जी के अगल बगल फुदके वाला बंदर खून उबल रहा है एकरा अंदर बड़ा हंसिया होता तो के अभी तो दर्द रहला ना तो के अभी 2 मिनट पहले तू दर्द से हाय हाय करत रहला का बेलता रह के अचानक से थोड़ा मैं बहुत दर्द रहला तो के रहे दर्द होत रहे अब दर्द ना हो रहा पता का है प्रीता जी के वजह से हमार किस्मत बहुत अच्छा कि हमार शादी प्रीता जी जैसे लड़की से होए वाला है तू लोग देख ला ना प्रीता जी हमार कितना केयर करेली अपन हाथ से फ्रूट खिले ले ई हमके मसाज देली अरे इतना केयर के बाद तो अच्छा अच्छा के दर्द भाग जाला हमके तो ऐसा लगेला कि प्रीता जी जितना हमार केयर करेली ना उतना हमार मॉम भी ना करत हुई है अब दवाई ले ली ऋषभ जी अब ऑफिस जाए ना ऑफिस में कितना काम हो कि आपके करण तू भी जा हम यहाँ बानी पृथ्वी जी के ख्याल रख ले का है तू ख्याल कहे रखबू जे स्टाफ बा ना वो ख्याल रखे तार कोनो जरूरत नहीं कही जा ओके बस शांत हो जा शांत का मतलब यार दाढ़ी वाला बकरा आई मैंने खुद अपने आपका हॉस्पिटल में एडमिट कराई लेबा ये अपन खुद ख्याल रख सकता और प्रीता बता दाली कौन दवाई कब खाए के बटे और वैसे भी अभी प्रीता की जरूरत हमके बा हमार बोले के मतलब के दादी के प्रीता की जरूरत बटे और तुके पता बा ना दादी के पैर में कितना दर्द बटे आजकल और अपना पैर के प्रीता के अलावा के हाथ ना लगावे दिली तो प्रीता के चले के पड़ी हमारा साथ का बोल बे पृथ्वी प्रीता जो ना काम से इतना प्यार करेली इतना मोहब्बत करेली वो काम करे से होके रुक बे तू बोलना यो गिल्ली डंडा प्लेयर हमके पता है कि तू ना तोहार जलल बोल रहा हा बोल प्रीता जी आप चाहे और केहू और के खातिर ना सिर्फ खुद के खातिर बिकॉज आज आप काफी टायर्ड हो कब काफी थक गए हो कब तब जाइए रेस्ट करी प्रीता जी आपके ना दूसर लोग के ज्यादा परवाह ना करे के चाहिए आई मीन आपके अपन हेल्थ के भी ख्याल रखे के चाहिए ना आई ना हम आपके ड्रॉप कर देते नहीं ना हम ड्रॉप कर दें प्रीता के पर और तुर गाड़ी तो शर्ली लगल भी है ना तो तू एक काम कर हम लोग के साथ आ जा प्रीता के ड्रॉप करके हम लोग ऑफिस चले गए चलो चलो प्रीता
अरे एक मिनट हाथ छोड़ा, फोन बा हमारे यहाँ। तो हम जात बाने पृथ्वी जी, लेकिन आप प्लीज पूरा रेस्ट करिहा और हम जल्दी आए आपके मिले। दिखला हमार होके वाली पत्नी हमार कितना केयर करेली। पता ना क्या कर होके वाला भैया, आई मीन होके वाला और हम होके वाला बनी बीमार तुर शकल देख देख के। चला प्रीता आप जाए। प्रीता जी, प्रीता जी हमारा टेंशन ना ले, आई विल फाइन ओके। मजा आ गई, दोनों भाई के शकल देखे लायक रहे, ऐसा लागत रहे जैसे जल जल के राख हो जाए, ऐसे लटक गए रहे दोनों के चेहरा जैसे फर्श पर गिर जाए। मजा आ गई। शालिन पता ना कहाँ रह गई बा, हम अभी उनका के कॉल करा था नहीं। अरे डोंट बॉदर संजना, हमने के पास वक्त ही वक्त बा, वी विल वेट फॉर हर। ओ काबा ना, तू शालिन के फोन कर बू, ओकरा के बताई बू के हम लोग यहाँ बानी, वो टेंशन में कार फास्ट चलाई और कहीं कुछ हो ना जाए। सो लेट अभी करीना दी, हमने के डेकोरेटर के पास भी तो जावे के रहे कल के पार्टी के अरेंजमेंट खातिर। हाँ भाभी, यहाँ से वहीं चलब। ठीक बा। ला शालिन भी आ गई। कैसन बाड़ू शालिन? हम अच्छा बानी आंटी, आप कैसन बानी? हम अच्छा बानी, अभी हमने तुहारी बात करत रहले। अच्छा शालिन, करण के खिलाफ तो अपना कंप्लेंट वापस ले ले लू, अच्छा कह लू, थैंक यू सो मच। अंजय में थैंक यू बोले के का बात बा, भले ही लोकन खातिर करण हमार होखे वाला देवर बा, लेकिन दिल से तो हम ऑलरेडी अपन देवर मान चुकल बानी। यू नो व्हाट शालिन, तोहार इहे बात हमके बहुत अच्छा लगेला। भाभी अच्छी लड़की चूज के लिए बानी ना हम अपन ऋषभ खातिर। अच्छा ना, बहुत अच्छा, आपके चॉइस कभी गलत हो ही ना सके। थैंक यू सो मच भाभी। पता ना जब लोग के शालिन के असली चेहरा पता लगी तो का हुई। आई एम श्योर बहुत बड़ धक्का लगी, भगवान करे कभी लोग के शालिन के सच पता ही ना चले। वैसे संजना जी, हम आप दोनों के इनवाइट करे आल बानी, कल हमने के घर में बैचलर्स पार्टी बा, ऋषभ के बैचलर्स पार्टी। एंड यू नो व्हाट, महेश जी तो सिर्फ लाइकन के बुलावे के चाहत रहे, लेकिन ये लाइकन पे भरोसा तना किया जा सके ले, यही खातर हम सोचने का काहे ना पूरा परिवार साथ मिलकर पार्टी कर। और तोरा के पता बा शालिन, ये कोनो नॉर्मल टाइप के पार्टी ना बा जो लूथरा हाउस में अक्सर होकल करे ले, एगो थीम पार्टी बा, सबके अपना चेहरा पे मास्क पहने के हा, एंड द थीम इज ब्लैक एंड व्हाइट। एंड डू यू नो समथिंग शालिन, अगर कोनो ज्यादा एंजॉय करे की चाहत बड़ा तो कर सके ला, पता बा कैसे, सबके चेहरा पे मास्क जो होगी। शालिन एक बात बताइए आंटी जी, जब शालिन के हमार बच्चा के अपन पेट में लेके ऋषभ से शादी करे में कोनो प्रॉब्लम नहीं खे, तो आपके कहे प्रॉब्लम हो रहा, आपके प्रॉब्लम ना होके के चाहिए, और अगर हो रहा ला फिर उतनी शादी ना हो। ऋषभ शालिन से शादी करबे ना करी? अरे ऋषभ का दुनिया के कोनो भी लड़का एकरा से शादी ना करी जाने के बाद कि एकरा पेट में हमार बच्चा है। एक्चुअली वो कहा है ना, शालिन की तबीयत ठीक नहीं खे, शी इज नॉट वेल। I can understand Sanjana. अब कल रात कितना स्ट्रेसफुल रहल शालिन खातिर, पहले मोनिशा फिर करण फिर पुलिस स्टेशन, बहुत ज्यादा टेंशन हो गए रहल होखे, शायद यही टेंशन की वजह से उपयोग कर रहल बाड़ी। हाँ एक्चुअली जब उकरा टेंशन हो जाला ना तब उकरा ये सब प्रॉब्लम हो जाला, यू नो वोमिटिंग एंड एसिडिटी बहुत तकलीफ होला उकरा। पर आप लोगों की तो बतेले हुई ना ये बारे में ना? शालिन पहले कब कुछ ना बतेले हा? लेकिन हाँ
ऐसा हो के ओ यस करीना दी, शायद यही गलत फहमी में आके पिछले बार हमारे चाची अनाउंसमेंट कर दे ले हा कि शर्लिन इज प्रेग्नेंट। व्हाट प्रेग्नेंट? अरे ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो बस टेंशन में हुई तब, और अभी अभी तो हम आपसे कहनी ना कि जब वो टेंशन में हो खेला तब ओकरा के इस सब वॉमिटिंग एसिडिटी इस सब प्रॉब्लम हो जाला ओकरा, है ना? आई थिंक यू आर राइट, एसिडिटी भइल होखी, और अब जो उल्टिया करत बा टेंशन में बा यही खातिर करत बा। लेकिन कहो ना बात ना, वो दिन दूर ना जब शैलिन हमने के खुशखबरी दी है, जब शैलिन ऋषभ के बच्चा की माँ बनी है। शैलिन और ऋषभ के बच्चा हमने के घर के पहला पोता पोती, कितना अच्छा लगी है ना। उनका खातिर एक प्यारा सा नाम रखब, अगर लड़का भइल त रोशन और लड़की भइल त रोशनी, सुने में कितना अच्छा लागत बना, रोशन ऋषभ लूथरा, रोशनी ऋषभ लूथरा, हमने के घर की खुशियां तो दुगनी हो जाई। वो एक्चुअली बात ही बाकी लूथरा हाउस में कौनो छोटा बच्चा ना बना, बच्चा के आयल से घर की खुशियां बढ़ जावेले, रौनक आ जावेले घर में। और मम्मी जी तो इतना खुश होगी, इतना खुश होगी कि हम बता ना सके नी, आफ्टर ऑल वो पर दादी जो बन जाई है। बहुत लाड करी है बच्चा के, बिगाड़ के रख दी है, नोटी बना दी है उकरा के। एक्चुअली बात ये बा कि हमने के लूथरा हाउस में पहली बार एगो छोट बच्चा हो के हम सब बड़ों के बीच करीना थी, ये सब सोच के ही कितना खुशी हो रहा बा। तो जरा सोचा कि सच में ऋषभ और शैलिन के बच्चा हो जाए तो हमने के खुशी दुगनी चौगनी पता ना कितना हो जाए। संजना जी, अब शैलिन भी हमार और ओकर बच्चा भी हमार। ना ये बच्चा ऋषभ के ना हमार बा, हमार और हमार पृथ्वी के पहला बच्चा, लेकिन ऋषभ से हमार शादी होके वाला बा, तो का ये हमार बच्चा ऋषभ क्या अपन पापा कही? भाभी कितना दूर के सोचत बानी आप, अब तक तो ऋषभ शैलिन की शादी भी ना भइल बा, पहले शादी हो जाए दी ओकरा बाद बच्चा भी हो जाए, फिलहाल इतना दूर के मत सोची। ओके ओके दी, शैलिन तू ठीक बाड़ू बेटा? जी आंटी। अब तबियत कैसन बाड़ू तुहार शैलिन? आई एम फाइन आंटी। संजना अब हमके चले के चाहिए, ख्याल रखियो शैलिन के, अभी हमने के अमानत बात तोहरे पास, जितना प्यार लुटावे के बाद लुटा लो, कुछ ही दिन के मेहमान बाड़ी घर में, ओकरा बाद ही हमने के घर के बहू बन जाई, फिर पूरा लूथरा फैमिली एकर अच्छा तरह से ख्याल रखी। शैलिन अपना ख्याल रखिया, काहे कि कल शाम के तोहरा के बैचलर पार्टी में आवे के हा। ओके नमस्ते संजना जी, बाय बेटा। बाय आंटी। बाय शैलिन। बाय आंटी। सी यू। बाय संजना। मॉम मॉम। हाँ आपके बेटे की शादी भी आ, आपके शॉपिंग पे ना जाए के बा? हाँ जाए के बा ना, बस अभी निकला था नहीं। आप ही पिला देना। का हो गई
तू कार केहू कुछ बोलते नहीं थे, केहू कुछ कर ले भी ना, सामने से केहू अचानक क्रॉस भी ना कर ले, तब फिर करण अचानक ब्रेक का ही लगा ही रहा। बाय बाय बाय। का बात बा, हमेशा तक कार में आप दोनों इतना बात करत हई, आज इतना चुप काहे रहली? नहु हमार दिल को सोचत रहे। हमार दिमाग अब समझ नहीं, आप दोनों कुछ सोचत रहे, तू तो शलिन के बारे में सोचत रहे, और आप भी शलिन के बारे में सोचत होगी, आई मीन ओकरा से शादी जे होके वाला बा। जी वो है सोचत रहे। ओके हम चलत हैं, बाय बाय। हम तो दाढ़ी वाला बकरा के बाद हम भी ओकरे। हाय हमार प्रीता जी, हाय हमार प्रीता जी, कितना ख्याल रखेलू हमार, कितना केयर करेलो तू। जैसे ही फोन पे हम उनकरा से कहली कि प्रीता जी हम हॉस्पिटल में हैं, कितना टेंस्ड हो गई हो, कितना टेंशन लेते रह ले हमार। आई एम डैम श्योर कि शादी के बाद ना प्रीता जी एगो आदर्श पत्नी बनी है, प्रीता जी की पृथ्वी और पृथ्वी के प्रीता जी, एकरा कहल जाला राइट कनेक्शन। आ गेल कबाब में हड्डी, मोर के महारानी, एकरे पास और कोनो काम नहीं के जब देखा कॉल करत रहेली। हाय बेबी। हाय हेलो बाद में करियो, अभी के अभी वो हॉस्पिटल बेड से उतर के हमसे मिले आवो। अरे अभी कैसे आ सकते हैं हम, तू गजनी बन गेल हो का? अभी अभी तो हॉस्पिटल में हमरा से मिलके गेल हो। बेबी जब तक हम यहाँ से डिस्चार्ज ना ले लेते हैं, यहाँ से बाहर ना जा सकेला हम। अरे को सच बात बताई, हम कैसा लग रहा कि हमारे तबियत ना सच में खराब हो रहा है, हमके यहाँ पर ही रह के चाहिए हॉस्पिटल में, यू नो अंडर ऑब्जर्वेशन। ये तो हर डबल गेम बना, अपन प्रीता जैसे ही खेली हो हमारे साथ ना, अगर तू हमसे यही वक्त मिले ना ही बना तो हमने सबसे शादी तोड़ दे, एंड दैट्स फाइनल। तू हमके फोन पर धमकी काहे देते रहलो, तू जाना तो कि हम हॉस्पिटल में है। हाँ हम जाना थे तोरा हिसाब से, हमके कुछ ना भेल हम बीमार ना है, पर करण प्रीता और ऋषभ ओकरा हिसाब से तो हम बीमार हैं, उनका हिसाब से एक जख्मी एक रोगी इंसान है। प्रीता जी हमरा से कल रहे को शाम से हमरा से फिर उसे मिले ही है, लेकिन तू दूर से जो तीर घूमेले हो ना ओकरा वजह से हमके हॉस्पिटल से इमीडिएटली डिस्चार्ज लेके यहाँ आवे के पड़ल। काहे के लिए तू ऐसन, आखिर चल का रहा तोरा दिमाग में? प्रीता हमरे दिमाग में ना तोरी दिमाग में, प्रीता प्रीता प्रीता, हम तो ऐसे कॉलेज रानी ना कि तोहार दिल में प्रीता खातिर फीलिंग्स बा, लेकिन तू का कॉलेज कि ना ऐसा कुछ हो नहीं के, तो ये आज जो हम देख ले बानी वो का रहल, का रहल का रहे ऊ का रहे ऊ ओ, तू हमके बताइबू कि का रहे ऊ जे तू करे जात रहलो। हम देख ली, हम हॉस्पिटल में देख ली कि तू सबके सामने हमके घूर घूर के देखत रहलू, ऐसे लागत रहे जैसे कि तू कुछ गड़बड़ करे वाली आओ। करे के पड़त, काहे तोके तो बहुत मजा आवत रहे ना प्रीता से मसाज लेत, अगर हम तोके घूर के ना दिखती तो फिर तू प्रीता के अपना से दूर करते ही ना, एकर मतलब बा कि तू प्रीता के प्यार में पागल हो चुकल बाड़ो। एक बार ना हजार बार कह चुकल है, ऐसन कुछ ना, ऐसन नहीं बा, ऐसन नहीं बा पृथ्वी, अगर ऐसा ना होखत ना तो तू प्रीता पे बार बार ना गिरत, तोके तो इतना जोर से भी ना लागल रहे पृथ्वी कि तू ओकरा से अपन कंधा मसाज करवावत रहल। का काले रहल तू वहाँ पर कि तोरा के पानी पिए के बा, ओकरा हाथ से तोरा के पानी पिए के बा, ओकरा हाथ से तोरा के खाना खाए के बा, अरे ओकरा हाथ से जाके नहा भी ले ना। सच बताई आई सी यू ऑन यू, हमार कंधा में जेन्युइनली बहुत दर्द होत रहे, हमार शोल्डर वाज पेनिंग बैडली,
तो हम सोच ले कि चलो हॉस्पिटल में ऑलरेडी है तब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के काहे बुलाए खामा खाम बिल भर जात ज्यादा पैसा देवे के पड़े पिताजी ऑलरेडी सामने रहे और हैप्पी डॉक्टर तो उनकरे से मसाज करवा लेते ही। शट अप पृथ्वी तो के पता बा तू हमसे झूठ बोल रहा बड़ा यू आर अ चीटर मन तक करत बा कि तोहर शरीर के एक एक हड्डी तोड़ दे फिर जुड़वावत रही अपन पिताजी से बूढ़ा होके तक तो जुड़ ही जाई यहाँ पर हमार जिंदगी हमार पास्ट हमार फ्यूचर हमार प्रेजेंट हमार होके वाला बच्चा सब कुछ हम दांव पर लगा दिल बड़ी सिर्फ तोरा खातिर और तोरा के और प्रीता से रोमांस करे के पड़ल बा अरे ऐसा ओके ट्रस्ट में हम जे बोल रहे सब सच बोल रहे बेबी ऐसा कुछ ना जैसा तू सोच रहा हो देखा तू हॉस्पिटल में जे भी देख लो वो बस वो सब कैजुअल रहे सिचुएशन रहे या तो फिर यूं कह सकल कि एगो हादसा रहे हमार मन करत बा कि तो क्या हादसा बना दे तो हमसे झूठ बोले के कोशिश भी मत करी हो समझ ले तू बेबी हम झूठ ना बोल रहे हम सच बोल रहे हमारे दिन में अगर कोनो हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ तू हो बेबी अच्छा तो बिल्कुल झूठ ना बोल रहा बड़ा ना ना तो जे हम देख ले बने वो लूथरा उसमें तो वो का रहल पृथ्वी जब प्रीता तोहर फर्स्ट एड करत रहली तब तोहर आंख से का टपकत रहल प्यार इश्क मोहब्बत जे तब रहल तो अब नजर काहे ना आ रहल बा पृथ्वी फाइन अब जब तक हम के विश्वास ना हो जात कि तू सिर्फ हमार बाड़ हम ऋषभ से शादी ना करब